हे गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ द गहना शो में। और आज की मेरी गेस्ट हैं सिमरन कपूर। हाय सिमरन, आपका दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्ते दर्शकों, मुझे बेहद खुशी हुई। मतलब आई कांट बिलीव दिस कि मैं आज गहना मैम के साथ बैठी हूँ, बात कर रही हूँ। मुझे खुद पे मतलब बिलीव नहीं कर पा रही हूँ मैं, जो मेरी मतलब 6-7 सालों की जो इच्छा थी वो आज मेरी पूरी हो चुकी है। हमेशा मैं सोचती थी कब मिलूंगी मैं गहना मैम को, कब मिलूंगी, लेकिन वो दिन आ ही गया है। बस समय का इंतजार किया और वो दिन आज का आ चुका है। सो काइंड ऑफ यू सिमरन। अच्छा सिमरन, मुझे बताएं जी, आप क्या हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी या ऑल ऑफ सडन आपने डिसाइड किया? और ऐसी क्या घटना घटी आपकी लाइफ में जिसने आपको बताया कि आप एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हैं? ऐसा क्या हुआ आपके साथ? मैम एक्चुअली मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। मतलब क्या बताऊँ और क्या ना बताऊँ, ऐसी मेरी लाइफ है। तो ऐसा कुछ बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन लास्ट में ये डिसीजन लिया कि मैं जो अपने अंदर जो एक टैलेंट देखा मैंने कि ये टैलेंट मैं कहाँ निकाल सकती हूँ। किसी ने मुझे जैसे दोस्त यार कमीने बड़े होते हैं जो जहाँ मीटिंग करने के लिए जाते हैं, मतलब मीटिंग मतलब जैसे पार्टी शार्टी होती हाँ, है हाँ। तो उनके इसमें एक बड़ा एक कमीनापन होता है। कभी बोलते हाय सेक्सी एटम बम लग रही है तो वाह। तो मैंने यार इस आइटम बम को कहीं ना कहीं तो यूज करना पड़ेगा ना मेरी। तो फिर कुछ दोस्त होते हैं यार इस बम को तो तुम यार इंडस्ट्री में फोड़ सकती हो। तो मैं यार इंडस्ट्री में तो फोड़ सकती हूँ, लेकिन वो जो सोर्स होता है कैसे जाना क्या जाना। तो फिर ऐसे धीरे 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 कॉन्टेक्ट बनाए फिर, और फिर अंदर एंट्री कर ही डाला फिर इंडस्ट्री में मैंने। लवली यस। जैसे सिमरन, मैंने आपकी बहुत सारी सीरीज देखी है और आप बहुत अच्छा काम करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यू आर अ वेरी गुड आर्टिस्ट। सो मुझे बताओ, आप अपने आप को कैसे, जब भी आपको मालूम है कोई बोल्ड सीन होने वाला है, एकदम सेक्सी सा रोमांटिक सीन होने वाला है, तो उसमें आप कितनी कंफर्टेबल होती हैं और आप अपने आप को कैसे तैयार करती हैं कि यार ये सीन मुझे इतना अच्छा देना है? यस, तो इसके लिए ना मैम, मैं सबसे पहले देखो जो जो टैलेंट है एक बोल्डनेस का, हाँ, जो अपनी एक नजाकत दिखाना, एक अपनी अंदर की जो एक सेक्सी रोमांटिक जो अदाए लोगों के सामने पेश करना, वो टैलेंट मुझे ऐसे लगता है, बाकी लोगों को मालूम नहीं, बट मुझे ऐसे लगता है कि वो टैलेंट मेरी इसमें है और मैं काफ़ी अच्छे से पब्लिक को मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ। और जैसे कि मेरी आँखों में वो एक नशा है, जिसमें अगर मैं एक बार देख लूँ तो सामने वाला मुड़ के देखना ही देखना है उसको। हाँ यस, ये मेरे इसमें टैलेंट है। ये तो है, no ये टैलेंट मतलब मैं आग बंद करके बोल सकती हूँ, बस मुझे एक बार कोई चांस दिला दे कि भाई इसको तू अट्रैक्ट करके दिखा दे, मैं 2 मिनट में उसको अट्रैक्ट करके दिखा दूंगी आपको। सो सिमरन एक्चुअली यस, मैं ये आपकी आंखों में देख पा रही हूँ, आपकी आंखों में जादू तो है। और मेरा जो कैमरा हैंडल कर रहे हैं ना, वो आधा पिघल चुका है। तो इतनी मतलब मैं कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ ना बोल्ड सीन के लिए, तो मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो भी होते उन वो तो मतलब मुझे मेरे साथ बात करके मुझे कास्ट करते हैं, तभी वो जस्टिफाई कर लेते कि सिमरन कपूर बोल्डनेस में एक नंबर 101% कंफर्टेबल है, उससे काम करने के साथ मतलब कोई प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं है। यस, तो जब भी मैं सेट पे जाती हूँ तो मेरे जो सेट पे जो रिटेक होते हैं वो कभी नहीं होते इसमें बोल्डनेस में, जो भी अपना अल्टीमेट बोल्ड सीन्स होता है उसमें रिटेक नहीं होते। और मतलब एक माइंड में मैं तभी सोच लेती हूँ कि अभी मुझे बोल्ड सीन चल रहा है तो मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, बस मुझे ये सोचना है कि अभी सामने वाला कौन है, क्या है, उसको क्या करना है, उसके साथ क्या करना है, उसको कैसे मतलब वो क्या बोलते हैं ना उसको, रिड्यूस करना है, मोमबत्ती बोला जाता है ना उसको, कैसे पिघलाते हैं उसे रात को, मतलब जैसे एक जादू की झप्पी देना है, बस उस तरीके से मतलब अपने आप को मतलब मैं पूरी तरीके से 101% प्रिपेयर कर लेती हूँ बढ़िया मस्त, फिर जो अपनी पूरी अदाएं ढाल देती हूँ उसमें,
फिर आ जाता है मजा, फिर होती है सिमरन कपूर ढाडे। फिर जो लोगों की इच्छा होती है ना, आ गई सिमरन कपूर अपने जल में बिजाने, बॉम बॉम आइटम, बॉम 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 आइटम, तो मजा आ जाता है। मुझे खुद को भी काम करके अच्छा लगता है। और दूसरी बात, मेरे साथ जो भी मतलब को एक्टर्स होते हैं, मेल एक्टर्स होते हैं, करीब करीब मुझे इंडस्ट्री में अभी 8 साल हो चुके हैं। 2013 में मतलब 2013 में मैंने एंट्री कर लिया था। 10 साल 23 चल रहा है। हाँ तो यस, ये नहीं, ये बीच में जो ये आया था ना अपना लॉकडाउन आया था, उस चक्कर में सारा सबके नुकसान हुआ। तो आज तक मैंने मेल एक्टर मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया, जो पागल ना हो गया उस सेट पे, जिसे तुमने दीवाना ना बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उन्होंने कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं की कि सिमरन कपूर के साथ काम करके मुझे अच्छा नहीं लगा। कंप्लेंट कोई करने वाला है क्या? लोग तो ये कहेंगे यार ऐसे तो, ऐसे तो उनका नजदीक आने नहीं देती, ऐसे तो आज उस बहाने से तो आ जाता। फिर मतलब अंदर ही अंदर मतलब फील करते, सिमरन कपूर आ गया। तो मतलब एक पल के लिए ना मजा आ जाता है। चल भाई देखो, यहाँ पे क्या होता है ना, इंडस्ट्री में अपन वेब सीरीज की शूटिंग पे जाते हैं, या कोई भी शॉर्ट फिल्म हो या वेब सीरीज हो या मतलब मॉडलिंग प्रोजेक्ट हो, कोई भी मतलब बोल्ड कॉन्सेप्ट में आता है, तो वहाँ पे कैसे एकदम माइंड जो होता है एकदम फ्री होता है। बस अपने माइंड में सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि जो काम करने के लिए आए वो काम बिल्कुल अपना खुद का प्रोजेक्ट समझ के, मतलब 101% अपने को देना है, काम बढ़िया से बढ़िया करके देना है। तो मतलब फुल उसमें मतलब एक इंटरेस्ट जो होता है ना अंदर से, बढ़िया इंटरेस्ट आ जाता है काम करने के लिए। तो एक जो सामने वाला भी उस हिसाब से ना अपने साथ कोऑपरेट कर लेता कि चल भाई यही मौका है ले लो। बाद में मिलेगी, बाद में नहीं मिलेगी। और कैसे रहता है ना, देखा जाए तो स्पेशली टाइमिंग किसी के पास नहीं होता है मिलने के लिए, मतलब कोई जाता ही नहीं है। मतलब बुलाते हैं ना कि आ जाओ मिलने के लिए, पार्टी शार्टी करते हैं, नहीं होता है यार इतना टाइम नहीं होता। जब शूट खत्म हो जाता भाई, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, तो जितनी मुलाकात है वो पलंग में ही होती है, बेड में होती है, किसको कौन किसको कितना गर्म करता है, आय हाय। मजा आता है, लेकिन मतलब बहुत खुश होती हूँ। मतलब अच्छा, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? आज तक आपने जितने बेड सीन दिए हैं, आपको कौन सा एक्टर है जिसके साथ सबसे ज्यादा मजा आया काम करके और क्यों? ओके, देखिए कैसे होता है, अल्टी अगर आप अल्टीमेट बेड सीन की अगर बात करो, हाँ, तो इसमें क्या है ना, सबसे पहले मैं जब डील करती हूँ, हाँ, वेब सीरीज की, हाँ, शॉर्ट फिल्म की, जो भी, हाँ, मतलब जो भी डील रहती है, हाँ, मेरी डील रहती है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ। बिल्कुल, वो मुझे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, पेमेंट क्लियर करते हैं। बिल्कुल, फिर उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन कि एक्टर कौन है, मेल एक्टर कौन है। फिर उनका जब नाम लिया जाता है तो फिर उसके बाद मेरे सवाल रहते हैं, मेरा सवाल पहला सवाल रहता है कि जो भी एक्टर हो वो प्रोफेशनल होना चाहिए। हाँ, प्रोफेशनल मतलब कि मुझे ऐसा फील होना चाहिए, क्योंकि फीमेल जो है ना, अपन एक गॉड गिफ्टेड, अपने को कौन सा टच कैसे है, कैसे हो रहा है वो पता चलता है। बिल्कुल, वो इंट्यूशन आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मतलब जो पुराने लोगों ने कहा है ना, जो एक पुरानी भी कहावत है कि जितने लेडीज के जितने हेयर होते हैं उतना उसकी इसमें क्या होता है, दिमाग होता है, नशा होता है वालों में भी, कि पता चलता है कि कौन कैसा है, जस्टिफाई कर लेती है वो, कौन कितना कैसे मतलब किस एंगल से देखता है, तो वो जो रहता है ना, तो मतलब समझ जाती हूँ मैं कि कैसा है क्या है। तो डायरेक्टर को मैं बोलती कि ठीक है ये एक्टर है ना, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा मुझे। तो फिर अगर ऑन सेट पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं वही पे जो सीन चल रहा है वहां पे मैं कट कर बोलूंगी, तो आप समझ जाना, हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं मेरे साथ कि मैं बीच में बोलूं कि कट। हाँ हुआ है, 2-3 टाइम हुआ है। हाँ, जो ऐसे रहते जो तो फेवरेट एक्टर कौन सा था आज से जितने एक्टर मिले उन्हें सबसे आपको पसंदीदा, आपको जो जिस एक्टर के साथ काम करके सबसे ज्यादा मजा आया, जो सबसे ज्यादा सेक्सी रहा हो, ऐसा कौन सा एक्टर था? भाई ये तो तुम भी जानते हो, शेक्सपियर ही है। अभी शेक्सपियर मुझे देख के बोलेगा साला ये तो सिमरन है, इसने भी मेरा नाम लिया। अब क्या करे, नाम तो उसी का
क्या ही आ जाता है जिसमें कोई बात होती है. एग्जैक्टली एक शेक्सपियर है हाँ, और दूसरा एक गौरव नाम का लड़का है जो मतलब वो भी बहुत प्रोफेशनल एक्टर है. वेरी प्रोफेशनल, बहुत प्रोफेशनल. मैंने लॉन्च किया था गौरव को. क्या बात कर रहे हो, वो भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड. बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा, मतलब काम के लिए प्रोफेशनल है. जो उनको बोला ना, जो सीन मतलब वन टेक होता है. हाँ, प्रोफेशनल मतलब क्या, ज्यादा रिटेक ना. गौरव ने बैड सीन में तो पीएचडी कर रखी है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मतलब वन टेक में हो जाता है. ही इज वेरी गुड, वेरी गुड. मैंने उसे लॉन्च किया था. हाँ, मैं बहुत एक्टर लॉन्च किया. तो मेरे नजर में एक गौरव है हाँ, दूसरा शेक्सपियर है हाँ, और थर्ड ना, थर्ड एक मेरा फ्रेंड था जो काफी टीवी सीरियल वगैरह करता है, लेकिन उसका नाम ही याद नहीं आ रहा. क्या यार, याद है क्या है ना, बादाम में काम नहीं कर लिया. सूरज, सूरज करके है हाँ, वो टीवी सीरियल वगैरह करते हैं हाँ, हाँ, उसने हॉट शॉट्स किया था सूरज. हाँ हाँ, वो बहुत प्रोफेशनल है. गुड लुकिंग भी है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, लवली गाय, और काफी अच्छे से काम करते हैं. मेकआउट के टाइम पर वाइल मेकिंग सच काइंड ऑफ सीन्स, आपकी फेवरेट पोजीशन कौन सी होती है कि यार ये पोजीशन होगी तो मैं मास्टर हूँ इसमें. तो जो अगर फेवरेट पोजीशन देखा जाए तो मुझे सारी पोजीशन फेवरेट है. वही सोच रही हूँ कौन सी बताओ. एक तो बताओ. अच्छा, दर्शक भी ट्राई कर सके. अच्छा, ट्राई करना है भाई, मुझे देख के करना ट्राई, बात बन जाएंगी. तो ट्राई करने के लिए तो जो ये रहती है ना अपनी क्या बोलते हैं उसको, बैक बोलते हैं क्या बोलते हैं, डॉगी डॉगी डॉगी. हाँ, डॉगी पोजीशन है ना, मतलब काफी सेडेक्टिव, मतलब एक आंखों में जो एक नजाकत होती है ना. हाँ, मतलब एक एक्सप्रेशन भी आता है उसमें बढ़िया. हाँ, और पोजिंग में भी कंफर्टेबल होता है, जैसे भी लगता है कि बॉडी पूरी कर्व हाँ, भी दिखती है. हाँ, मुझे कर्व बॉडी, मतलब एक्चुअली मैंने अपने आप को ही मतलब कर्व बनाया है, तो मुझे वो मतलब वो पोजिशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज उसमें कर्व लुक आता है. और दूसरी बात क्या है ना, उस पोजिशन में इंसान कम्फर्ट फील करता है, मतलब यहाँ नहीं चुभना चाहिए यार, मतलब कंफर्ट फील भी तो होना चाहिए ना. मतलब यार करो तो यार, मतलब अच्छा करो, अच्छा करो, ऐसे ना आग लग जानी चाहिए है ना. मतलब क्या है, मतलब मैं भी खुश और तू भी खुश, दोनों मिलके. और दूसरी कौन सी पोजीशन फेवरेट है? दूसरी पोजीशन वो जो रहती है ना बैठ के, हाँ हाँ हाँ, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं सर. हाँ, वो हा हा वो यार क्या क्या पोजीशन निकली है. और तो दूसरी और है ना यार, 69 करके. पहले ना एक बात बताऊँ क्या क्या हुआ था, मुझे ना चिकन 65 करके एक डिश है खाने के. हाँ, ओके okay. हाँ. तो मुझे वो डिश ना मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने के लिए. हाँ, पहले मैं वो डिश खाती थी. हाँ, कुछ दिन के बाद पता चला तो ये तो उसमें पोजीशन में नाम है. तो फिर एक बार ना मैं सेट पे गई और मैंने बोला मुझे चिकन 65 चाहिए, तो वो जो एक एक्टर था ना तो बोलता है मैडम उसके लिए अपने को अंदर चलना चाहिए. मैं फिर यार मुझे तो खाना है, तो बोलता हाँ मैडम मैं भी खिला दूंगा. फिर बाद में फिर एक ना एक मेल एक्टर ही था मेरा, मतलब फीमेल से ना मेल एक्टर से काफी ज्यादा मतलब अट्रैक्ट होती है, मतलब वो क्या है ना, वो मतलब इधर उधर की बातें कम करते हैं ना. और मैं कैसे सुन भी बहुत लेते हैं, बाकी कोई सुनता नहीं है ना, इसीलिए तो मैं उनको मतलब गौर करती हूँ, पकाती हूँ उनको. हम लड़कियों का हक है, हम पकाते नहीं हैं, मजा आता है, हम बातें कर रहे होते हैं. तो फिर उसने मुझे बताया कि अरे तुम जो बोल रही हो ना वो नहीं है, वो कुछ दूसरा बोल रहा है. फिर ये पोजीशन का नाम जो रहता है ना जिसमें ठुकाई होती है उसमें वो 65 बोला जाता है. मुझे हक तेरी 69 मुझे अच्छा है, चला हो जाता है यार, चल कोई बात नहीं. Yes. कुछ तो नॉलेज तो मिला. यस yes, हम नॉलेज ही तो लेने बैठे हैं. वही तो, जब मिल रहा है तो ले लेना चाहिए. अच्छा, सिमरन मुझे एक बात बताओ. हाँ, तुम्हारी फेवरेट 5 गालियां कौन सी हैं, जब कभी गुस्सा आते हो तुरंत जुबान पे आता है. अच्छा, ऐसे तुरंत ये है, ये है, ऐसे करेगी तुरंत.